हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7। इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस सिनोनिम्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईडियम एंड फ्रेसेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड द फर्स्ट वर्ड इज एट रैंडम। यहाँ रैंडम की स्पेलिंग गलत दी हुई है। रैंडम की स्पेलिंग होती है RANDOM। इसका होगा एमलेसली। एमलेसली मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के। ओके, सेकेंड एट फर्स्ट साइट, इट मीन्स एट द फर्स्ट मीटिंग, मतलब पहली मुलाकात में। ओके, थर्ड अबव बोर्ड, इसका है ओपनली या ऑनेस्टली, कोई चीज़ खुले तौर पे या ईमानदारी से। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है तो कोई भी कार्य बहुत खुले तरह से करता है। ओके, फोर्थ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इट मीन्स कॉज ऑफ क्वरल, झगड़े का कारण। ओके, झगड़े का जो कारण होता है, जिस कारण से झगड़ा होता है, इट इज़ कॉल्ड कॉज ऑफ क्वरल। नेक्स्ट एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डर, कोई भी चीज़ जो परफेक्ट ऑर्डर में हो। ठीक है, परफेक्ट तरीके से हो। नेक्स्ट एट ट्रैगर्स ड्रॉन विद, इट मीन्स टू बी एनिमीज, क्या होता है इसका, टू बी एनिमीज मतलब कि शत्रु होना। एट ट्रैगर्स ड्रॉन विद का होता है टू बी एनिमीज मतलब शत्रु होना। नेक्स्ट एन एक्स टू ग्रीन, इट मीन्स सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी और मोटिव मीन्स होता है कोई मकसद। ठीक है, तो इसका होगा स्वार्थी मकसद। ओके, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एट वंस विट्स एंड, क्या है, एट वंस विट्स एंड, इट मीन्स टू बी इन कन्फ्यूजन, टू बी इन कन्फ्यूजन, इसका मतलब होता है कि कन्फ्यूजन में रहना। ठीक है, लोग कहते हैं ना कन्फ्यूज़न में रहना, हमें कन्फ्यूज़न है इस बात का, तो कन्फ्यूज़न में रहना। नेक्स्ट वर्ड टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू इंक्रीज एंगर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर का अर्थ होता है गुस्से को बढ़ाना। यदि लोग कहते हैं ना कि वो आग में घी डालने का काम करता है, तो किसी के गुस्से को बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है वेरी नियर, बहुत ही निकट या बहुत ही पास। ओके, नेक्स्ट अ फेदर इन द कैप, अ फेदर इन द कैप का होता है अ वेरी गुड अचीवमेंट, क्या होता है इसका अर्थ, एक अच्छी उपलब्धि। वेरी गुड मतलब बहुत अच्छी, और अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि, एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, क्या है एट सिक्सेस एंड सेवन, इट मीन्स इन डिसऑर्डर, इट मीन्स क्या होता है इन डिसऑर्डर, मतलब कोई भी चीज़ जो अव्यवस्थित हो, क्या हो, अव्यवस्थित हो, जो व्यवस्थित ना हो, अव्यवस्थित हो, उसे बोलते हैं इन डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एट द इलेवेंथ आवर, इलेवेंथ आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, जैसे कि आपका आज एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम की टाइमिंग एकदम लास्ट मोमेंट, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या एकदम लास्ट मोमेंट में कहीं पहुँचते हो, तो इट इज़ कॉल्ड एट द इलेवेंथ आवर, मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, एकदम आखिरी क्षण पे, आखिरी पल में पहुंचना या कोई कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है टू मीट वंस वाटरलू, इट मीन्स टू मीट वंस डिफीट, क्या होता है, अधिक प्रयास के बाद भी हार। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ के लिए, किसी परीक्षा के लिए बहुत प्रयास कर रहे हो, ठीक है, किसी परीक्षा को पास करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की, बहुत मेहनत की पास होने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आप पास नहीं हो पाए, तो ये होता है टू मीट्स वंस वाटरलू, टू मीट वन डिफीट। ठीक है, अधिक प्रयास के बाद भी हार। नेक्स्ट है टू बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है टू मेक पीस, क्या मतलब होता है इसका, टू मेक पीस, टू मेक पीस का मतलब होता है शांति बनाए रखना, या ये भी कह सकते हैं कि झगड़ा खत्म करना, झगड़ा खत्म करना मतलब झगड़ा को ख़त्म कर देना। ठीक है, या शांति को बनाए रखना, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। नेक्स्ट टू पुट द कैट अमंग पिजन,
टू पुट द कैट अमंग पिजन, इसका देखते हैं इसका क्या होगा. ओके, टू बी प्लेस्ड इन अ रॉन्ग सिचुएशन, क्या होगा इसका, टू बी प्लेस्ड इन अ रॉन्ग सिचुएशन मतलब गलत परिस्थिति या गलत हालात में रहना या फंस जाना. ठीक है, किसी गलत परिस्थिति में फंस जाना या किसी गलत परिस्थिति में रहना. आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है टू बीट अबाउट द बस. क्या है, टू बीट अबाउट द बस, इसका मीनिंग होता है टू टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. क्या होता है इसका अर्थ होता है टू टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, मतलब किसी भी ऐसे चीज़ों के बारे में बात करना जो इम्पॉर्टेंट ना हो. ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो, अनइम्पॉर्टेंट हो. ठीक है, तो किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अ बुल इन द चाइना शॉप. अ बुल इन द चाइना शॉप, इसका होगा एन ऑकवर्ड पर्सन. क्या होगा, एन ऑकवर्ड पर्सन. ठीक है, जिसे कहते हैं कोई अनाड़ी या भद्दा व्यक्ति. क्या होगा, कोई अनाड़ी या भद्दा व्यक्ति. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं. अरे यार.